नमस्कार, आप देख रहे हैं nationupdate.in और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। प्रदेश के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के भाई योगेश अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए समता कॉलोनी के निवासियों ने कहा कि राधा कृष्ण मंदिर जाने वाली 20 साल पुरानी सड़क पर योगेश अग्रवाल द्वारा कब्जा कर बाउंड्री वॉल कर लिया गया है, जिससे समता कॉलोनी निवासियों को आने जाने में बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर योगेश अग्रवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मेरे साथ राजनीति की जा रही है, मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और जमीन से जुड़ी सारी दस्तावेज मेरे पास है जिससे यह साबित होती है कि यह जमीन मेरी है। सड़क चौड़ीकरण करने के लिए लोगों के घरों को तोड़ दिए जाते हैं, ये तो आप सबने देखा व सुना होगा, लेकिन अपने निजी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सड़क पर कब्जा करना पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसी ही एक खबर है रायपुर के समता कॉलोनी की, जहां योगेश अग्रवाल द्वारा रोड को अपनी जगह बताकर उस पर बाउंड्री वॉल खड़ा करवा दिया गया है। तो वहीं समता कॉलोनी निवासियों का कहना है कि सड़क पर योगेश अग्रवाल द्वारा अस्थाई कब्जा किया गया है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर यह सड़क है किसकी। राधा कृष्ण मंदिर जाने के लिए जो मार्ग था 1975 का लेआउट जो है वह उसको 60 फीट चौड़ा मार्ग बताता है, परंतु 2015 में प्रदेश के कद्दावर मंत्री के दबंग भाई द्वारा योगेश अग्रवाल द्वारा उस सड़क की रजिस्ट्री करवा ली जाती है और हाल फिलहाल उस सड़क को पूरा खोद कर आवाजाही का मार्ग जो है बाउंड्री वॉल खड़ा करके बंद कर दिया जाता है। राधा कृष्ण मंदिर जाने का मार्ग बंद हो गया है। जो वहाँ शासकीय नाला था, आपको बताऊंगा, शासकीय नाले की जो जमीन है उसको दबा के उसकी दीवार तोड़ के उसको दबा लिया जाता है, परंतु शासकीय संपत्ति को हानि पहुंचाने का जुर्म दर्ज नहीं होता। BSNL का केबल कट जाता है, आपको बताऊंगा, BSNL केबल कटने पर भी कोई जुर्म दर्ज नहीं किया जाता। तो देखिए, एक अधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है, ये विश्व में पहला मामला है जहां पे सड़क जो है अधिग्रहित कर ली जाती है। आप देखेंगे कि ये वही रायपुर है जहां पे तात्यापारा में तेली बांधा में सड़क चौड़ीकरण के लिए जो है घर मकान दुकान पीछे कर दिए जाते हैं, परंतु यहां पे निजी महल के लिए निजी कॉम्प्लेक्स के लिए सड़क के ऊपर ही जो है आशियाना खड़ा करने की तैयारी है। नहीं, वो आरोप बिल्कुल निराधार है। ये जमीन बिल्कुल फर्जी नहीं है और बहुत पुरानी जमीन है ये, और हमने पुराने सारे पेपर निकाले, सारे पुराने सन 60 के पेपर निकाले, उसके दस्तावेज की हमने जांच की। जब ये जमीन मालिक के नाम पे जमीन थी और बहुत बहुत गरीब महिला थी, वो बहुत पीड़ित थी, वो बच्चों को नहीं पाल पा रही थी, उनको पैसे की जरूरत थी, हमारे पास आई, उन्होंने हमसे जमीन की बातचीत की, फिर उन कुछ केस कुछ लगा हुआ था, वो केस को संपन्न करते करते 2015 में हमने उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई। सारे भू अभिलेख शाखा में हमने सारी जमीन की जांच करी, सारे पेपर ओरिजिनल पाए गए। जो रामदुलारी बाई थी उनके बच्चों के नाम पे जमीन ट्रांसफ़र हुई, कहीं ये जमीन अधिग्रहण नहीं की गई, कहीं कोई मुआवजा नहीं दिया गया। रामदुलारी बाई के परिवार के पास में कुछ लोग गए कि हमको थोड़ा आने जाने का रास्ता दे दो, तो रामदुलारी बाई ने वैसे अपनी खुद की जमीन पर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था, तो लोगों ने कहा कि हम भी इस जमीन से आना जाना चाहते हैं। रामदुलारी बाई ने कहा ठीक है, आप लोग आओ, जो अभी जमीन मेरी खाली पड़ी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग उस पर आना जाना शुरू कर दिए। और जो 40 साल बोल रहे हैं ना, 40 साल पुराने तो वहाँ रास्ता ही नहीं था पहले, 40 साल पुराना तो वहाँ पे खेत था, जब सोसाइटी समता सोसाइटी का निर्माण 35 साल पहले ही हुआ है, तो बड़ा झूठा आरोप लगा रहा है। कोई 60 फीट की वहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ 20 फीट की सड़क पे किसी ने डामर डाल दिया था वहाँ पे, वो डामर भी किसने डाला आज तक किसी को नहीं पता। नगर निगम के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, समता कॉलोनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, RDA के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि वेरीफाइड नक्शा, वो नक्शा एकदम फर्जी है। वेरीफाइड नक्शा मेरे पास में है जिसमें 2-3 प्रकार के अलग अलग लेआउट बने हुए हैं, मतलब RDA ने अपने हिसाब से 2-3 प्रकार के अलग अलग लेआउट बनाए। इसलिए ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण आरोप लगा रहे हैं। हम लोग कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, सारी चीज़ों की जाँच परख करने के बाद में हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्री करवाई है और किसी का कोई रास्ता बंद नहीं हो रहा है। राधा कृष्ण मंदिर जाने के लिए वहाँ पर 4 मार्ग और हैं, ऐसा नहीं कि किसी का रास्ता हमने बंद कर दिया। हमारी भी उस मंदिर में आस्था है, उस मंदिर के निर्माण में हमारी और पूरे परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए आरोप लगाने वाले सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लेकर के आरोप लगा रहे हैं और उनकी मंशा है, जो लोग वहाँ बैठे थे वो वसूलीबाज लोग हैं, वसूली करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।